ये क्या मसला था ये जो आपने यहाँ से जो आए लोग सरकारी बिल्डिंग को इन्होंने कब्जा किया हुआ था, तो क्यों इन्होंने ये कब्जा किया? बगैर कोई इनके पास रिटर्न कोई चीज नहीं थी, जिस तरह रिटर्न ऑर्डर्स होते हैं वो इनके पास नहीं थे। अब यहाँ पे काफी सारी फैमिलीज हैं, काफी सारी स्टाफ नर्सेज हैं, पैरामेडिकल्स हैं जिनकी रेजिडेंस है, तो ये तो कभी तो ये बाबा इनका जो था वो ओपनली कपड़े उतार के तो वो सारी स्टाफ नर्सेज अंदर भाग जाती थी, पेशेंट मतलब बरह ना होके तो खड़ा हो जाता था, अपने एक्सपोज कर देता था, नंगा हो जाता था। उसके बाद अगर लाइट इनकी कभी खराब हो जाती थी तो उस पर भी धमकियां देते थे कि हमें लाइट दें नहीं तो हम आप पे किसी को केस डाल देंगे। फिर इनके घर में जैसे ये चर्स कुकिंग घी वाली चीजें भी आम होती थी, और मतलब लोगों का गैर लोगों का आना जाना होता था, कहते थे कि अगर आप हमें यहाँ से निकालेंगे तो हम आप पे मतलब पूरे अटेम्प्ट, जिस तरह के अब इन्होंने डॉक्टर साहब पे किया है। तो अभी 3 4 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ है कि डॉक्टर साहब ऑन ड्यूटी थे, ये घर में कोई नहीं थे, इनकी बच्ची जो थी उसने कोई नशा किया हुआ था, साथ ही लड़का लेके आई। अब इनके घर में और कोई बंदा नहीं था, अब डॉक्टर साहब ने गार्ड ने पकड़ा जिस भी हालत में, तो उन्होंने डॉक्टर साहब पे ये मतलब इल्जाम लगा लिया कि इन्होंने रेप किया। अब बाकी भी चीजें होती हैं कि रेप अगर करता है तो उसमें आपका डीएनए मैच कर जाता है, ये इन चीजों का इनको पता नहीं है। अच्छा लेकिन मैडम, ये 2 3 साल से यहाँ पर तकरीबन बैठे हैं, तो ये किसके बिहाफ पे यहाँ बैठे हैं? क्योंकि सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी अमला क्यों नहीं, ये महकमा क्यों नहीं एक्शन ये ले रहा? समझ हमें भी नहीं आ रही, क्योंकि जैसे अब मैं अब गवर्नमेंट जैसे रिपोर्टर हूँ तो मैं यहाँ पे अगर रिक्वेस्ट करूँगी तो मुझे सालों लग जाएंगे गवर्नमेंट की जो रेजिडेंट है उसको हासिल करने के लिए। ये इनका कहना ये है कि ये कहीं मांग रहे थे, ये कोई सबका सीएम थे, उनकी गाड़ी के आगे आए हैं मिलते कि हम लावारस है, हमारे पास जवान बेटियां हैं, हमारे पास कोई रहने को जगह नहीं। उन्होंने ये कह दिया किसी बंदे को या सरकारी अफसर को कि इनकी रिहाइश का बंदोबस्त कर दो। आपको पता है हमारा मुल्क है, जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर सीएम किसी को वर्बली भी कह देता है तो फिर सबकी दौड़े लग जाती है। फिर इससे पहले भी काफी मसले मसाइल हुए हैं, डॉक्टर मुबशरा साहब उन्होंने भी बहुत रिक्वेस्ट की थी लेकिन इनको कोई निकाल नहीं पाया। उसका एंड दी एंड डे ये रिजल्ट हुआ है कि वो रेप के इल्जाम लगाने शुरू हो गए हैं हमारे लोगों पे। अगर आज ये नहीं निकाले जाते तो फिर हमारे अमले का कोई बंदा नहीं बचेगा इनके शर से, क्योंकि ये तो सरे हम सारा कुछ करते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे सीनियर जो हमारे आला अफसरान बैठे हुए हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को आप किसी सरकारी जगह पे जहाँ पे फैमिलीज हैं, जहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे ऐसे डिसीजन नहीं देने चाहिए या ऐसे ऑर्डर नहीं देने चाहिए कि ये लोग इस तरह के लोग ऐसी रिहायशों के अंदर घुस जाए। कृषि के हवाले से जो ये लोग आज मैं बड़ा मशकूर हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो हमारी एस सी साहिब हैं डॉक्टर जैनब, उनका बहुत थैंकफुल हूँ। हमारे एएसपी साहब, हमारे जो सचिव हैं खुरम साहब, ये एक बहुत बड़ी एक्चुअली नील उन्होंने एफर्ट किया है। ये हमारे सरकारी अस्पताल में बेसिकली एक वाहाना चल रहा था और ये अननोन बैगर्स थे, ड्रग एडिक्ट थे, पता नहीं कब से ये मुकीम थे। तो मैं खुद गया, हमारा अस्पताल कमला गया। इनका मामूल था कि ये कपड़े उतार के यहाँ पे घूमता था, जिसकी वीडियोज़ मुतअद्दिद बार जो है वो हमने सबको सुनाई। तो ये एक बड़ी परेशानी का आलम था। सरकारी बिल्डिंग में इनकी गैर जरूरी तौर के ऊपर जो है वो इन्होंने कब्जा किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं रायवन की तमाम इंतज़ामिया, एसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, एएसपी साहब और ये सारे लोग हैं, सचिव साहब, जिन लोगों ने बेशक बेलौस मदद की है और इस बिल्डिंग को उन्होंने एवैक्यूएट कराया आज अल्हम्दुलिल्लाह, नायब तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब गरदौर, पटवारी, ये सब लोग एक मिल के कम्बाइंड एफर्ट के साथ आए। डॉक्टर आज से और पहले क्यों नहीं है क्या सर, गया? हम क्यों गुज़िश्ता ये एक साल से दो यहाँ तीन पे साल से ये बैठे हुए लोग सर क्यों? हम गुज़िश्ता एक साल से यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे थे, फाइल कर रहे थे। दरअक्स जो भी लोगों के पास जाता था ये उसको ब्लेम करते थे और कहते थे हम आपके पर्चे दे देंगे, हम 15 पे फेक कॉल्स करनी इन्होंने और ऐसे कहना कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। इस डर से सर कोई बंदा सामने था जाता, इन्होंने मुतअद्दिद बार इवन मेरे बारे में भी कॉल्स की, लेकिन क्योंकि ऐसे तो सब ब्रीफ थे, एसपी साहब ऑन ड्यूटी ब्रीफ थे, तमाम थाने के लोग जो ब्रीफ थे कि ऐसा कुछ सरकारी नजर बिल्डिंग है, नहीं सरकारी आया किसी सरकारी अफसर के जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है कि सरकारी बिल्डिंग का कोई गैर वतन का बात सर। करना गुज़िश्ता दौर में ना जब उस्मान रज़ा साहब सीएम थे तो उन्होंने वर्बल ऑर्डर्स पर इनको कहा था कि ये गरीब लोग हैं, बीमार हैं, इनको आप चंद दिन के लिए रिहाइश 4 हाउसेज में दीजिए जो कि पीछे मुकीम है।
लेकिन इनको जो उस वक्त की जो इंतजामिया थी वो हमारे इन अस्पतालों में छोड़ गई। और सर ये एक नाल की कोठी है जो सरकारी, हम खुद सरकारी मुलाजमीन, आप मुझे देखें सर, मेरे पास इधर रिहाइश नहीं, ठीक है, और सर ये लोग जो हैं वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। जो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं इसके एविडेंस हैं आपके पास? जी सर, हमारे पास तमाम एविडेंसेस हैं, मल्टीपल एविडेंसेस हैं, मल्टीपल वीडियोस हैं, इनकी नेकेड वीडियोस हैं, अल्लाह माफ फरमाए, और बहुत से एविडेंसेस हैं, लेकिन हमने कभी सर कभी नहीं शो ऑफ की, क्योंकि एक इज्जत का मामला था। हमेशा हमने ये कोशिश की है कि सरकारी अस्पताल की जो इज्जत है वो इन लोगों से महफूज रहे, लेकिन सर इस तरीके से सरकारी अस्पताल में कपड़े उतार कर नंगा घूमना और स्टाफ नर्सेज और लेडीज को धमकाना, डराना और उनके कमरों में बरखाना हालत में जाना, ये कभी भी टॉलरेट नहीं था। और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मशहूर अब हमारे जो डीएम साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर शाहिद नजीम साहब, उनका भी उन्होंने बहुत एफर्ट्स की, और हमारे साथ जो तो बहुत दफ़ा सीओ साहिबान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत दफ़ा उन्होंने हमारे लिए एफर्ट्स किए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन सब की मदद से ये कम्बाइंड एफर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें ब्लेस किया।